पुष्कर अग्रवाल, मैं उत्तर प्रदेश के जिला बदायूं के कस्बे बिसौली से रहने वाला हूं। सन 2015 से खेती कर रहा हूं और मैं लगभग 1000 बीघा आलू करता हूं। और आलू भी मैं अच्छे स्तर से पैदा करता हूं, बाकायदा मेरा 40 से 50 कट्टे के बीच में मेरा आलू निकलता है। और साथ में मेरे पिताजी मेरे साथ जो है खेती करते हैं और वो बिजनेस भी संभालते हैं। मेरे बाबा का एक सपना था कि मैं एक कोल्ड स्टोर लगाऊं, जो कि मैंने उसे साकार करा। 2 लाख कट्टों का मेरा अपना एक कोल्ड स्टोर है। इस बार जो मैंने 11 के क्रॉप प्लान के हिसाब से जो खेती करी थी अपनी आलू की, वो इतना बढ़िया मतलब उसने रिजल्ट दिया है कि उसका लाख जो है आखिरी 120 दिन तक रुका। बिल्कुल खेत में लाख रहेगा जब तक आलू की प्रोडक्शन बहुत बढ़िया रहेगा। आप ये समझिए 120 दिन तक प्रोडक्ट लाख जो उसका अभी तक नहीं गया, मैंने बेल जलाई है तब कहीं जाकर उसका लाख गया है। मुझे इस बार उम्मीद है, अब तक जो मैं 50-55 का खोदता था, जो 60 कट्टे से कम का आलू मेरा जो है नहीं निकलेगा। मैं 1 तारीख से आलू की खुदाई का स्टार्ट करूंगा। आलू अब मेरा स्टोर में जाएगा, तो आलू जब स्टोरेज निकलता है अप्रैल मई में जाके, मई जून में जाके, तो एकदम चमकदार आलू निकलता है इसके क्रॉप प्लान से खेती करने से। स्टोरेज आलू बहुत शानदार निकलता है उसमें। 11 के जो प्रोडक्ट हैं, सबसे पहले मैंने बुआई में 11 कॉम्प्लेक्स का यूज करा था, 1 कट्टे प्रति 1 एकड़ के हिसाब से। और उसके बाद नेत्राबोर भी मैंने डाला था। नेत्राबोर में यूरिया 11 यूरिया के मिला के ही डालता हूँ। नेत्राबोर ऊपर से स्प्रे वगैरह हैं, वो भी मैं जो है 30 से 35 दिन के बाद यूज करना शुरू कर देता हूँ, जिससे कि मतलब उसके रिजल्ट जो है अपने आप बनते चले जाएं। और इसके रिजल्ट इतने बढ़िया आते हैं निकल के, खेत खुद बताता है कि हाँ कि मेज में क्या पैदावार देने वाला है। मैं सन 2015 से जो आलू पैदा करता था, 2018 तक मैंने जो आलू पैदा करा, उसमें कभी भी मेरे में क्वालिटी नहीं बनी। जो भी क्वालिटी बनती थी स्टोरेज में, सबसे कम मात्रा में मेरा आलू बिकता था, सब घटिया बिकता था, कोई आदमी पसंद नहीं करता था उसे। जब से 2018 से 11 प्रतिनिधि से मेरी बातचीत हुई है, उन्होंने जब अपने प्रोडक्ट लगवाने शुरू करे हैं 11 के, जब से जो है मेरा स्टोर में सबसे पहले आलू बिकता है और आलू पे सबसे ज़्यादा खार आती है। आलू की मतलब प्रोडक्शन भी बहुत बढ़िया रहा है मेरा, और आलू सबसे सड़ा हुआ भी बहुत कम निकलता है। आलू में जो है क्या नाम है, किसी भी तरह का कोई दाग नहीं मिलता है, और आलू मंडियों में भी सबसे पहले बिकता है मेरा आलू। उसमें इस कदर चमक आती है, बिल्कुल एकदम साइज मेंटेन निकलता है, ना ज़्यादा गुल्ली निकलती है, ना ज़्यादा मोटा ही निकलता है, बिल्कुल एक साइज मेंटेन निकलता है, जिससे कि मुझे बहुत आराम मिला है। मतलब 2018 से और 2021 तक तो मुझे बहुत ही फायदा हुआ है, मतलब कि आलू में मुझे किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। 2015 से 2018 तक मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कतें रही हैं कि आलू मेरा मंडियों में ढंग से नहीं बिकता था, स्टोरेज में ही मेरा सबसे हल्का आलू निकलता था और सबसे ज़्यादा सड़ा हुआ निकलता था आलू मेरा। 11 के प्रोडक्ट जो हैं वो और खाद से कम लगाने पड़ते हैं और रिजल्ट उसके बहुत बढ़िया आते हैं। और भी जो भी कंपनी है, एरीज है, PI है, इनके प्रोडक्ट जो बहुत लगाने पड़ते हैं और लागत भी उनकी बहुत आती है। प्रोडक्ट ज़्यादा मात्रा में डालना पड़ता है तब उनके रिजल्ट आते हैं, और 11 के जो प्रोडक्ट हैं वो कम मात्रा में डाल के वही रिजल्ट आते हैं, वो सबसे बढ़िया शान उससे ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट आते हैं। मेरा खुद का कोल्ड स्टोर होने की वजह से मैं अपने स्टोर में जो भी किसान आते हैं उन्हें बताता हूँ कि ये 11 के प्रोडक्ट से पैदा करा हुआ आलू है, 11 के क्रॉप प्लान से पैदा करा हुआ आलू है, और ये जो है तुमने अपने खाद वगैरह से पैदा करा तो उसमें चमक देख लो अलग क्या क्या है। उसमें अलग ही चमक, 11 के क्रॉप प्लान से जो भी आलू पैदा होता है उसमें चमक अलग ही दिखाई देती है, इसकी ये चमक है। मैं किसानों को भी समझाता हूँ कि 11 के क्रॉप प्लान से आप खेती करें, आपको पैदावार बहुत अच्छी मिलेगी, और कंपनी के हर बंदा मतलब आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा, उसके क्रॉप प्लान के हिसाब से आप खेती करेंगी। इसलिए मैं 11 कंपनी का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, इस बार उन्होंने जो मेरी खेती पे इतना विशेष ध्यान दिया है कि प्रोडक्शन मेरा जो है 60 कट्टे के लगभग तो 100% पहुंचना है पर बीघा में। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ 11 कंपनी से, कि उन्होंने इस साल जो है मेरे लिए बहुत फायदा करा।